हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल होम गार्डनिंग एंड आइडियाज़। फ्रेंड्स, आप ये मेरा स्नेक प्लांट देख रहे हैं, काफ़ी अच्छी ग्रोथ कर रहा है। बट लेकिन आप देखिए, एक तरफ से ये जो इसकी लीफ है वो कुछ सूख रही है और यहाँ से ख़राब होने की स्थिति में है। तो मैं ये सोच रही हूँ कि मैं इस लीफ को कट करूँगी और इसका मैं वाटर प्रोपेगेशन करूँगी, जो कि मैं आपके साथ शेयर करूँगी सारे अपडेट, क्योंकि ये लीफ ऑलरेडी ख़राब ही हो जाएगी। तो इसको मैं आज वाटर प्रोपेगेशन से आपको तैयार करके बताऊँगी। यूँ तो आप लीफ को कट करके आराम से सॉयल में भी तैयार कर सकते हैं, लेकिन वाटर प्रोपेगेशन एक बहुत ही अच्छी प्रोसेस है जिसमें बहुत जल्दी ग्रोथ होती है। तो आइए मैं आपको बताती हूँ किस तरह से आपको इसका वाटर प्रोपेगेशन करना है। सारे अपडेट्स मैं आपको इसी वीडियो में दूँगी। चलिए पहले हम इस लीफ को, जहाँ से ये ख़राब हो रही है, तो इसको कट करते हैं, क्योंकि और प्लांट में स्वस्थ लीफ हैं तो इनको कुछ कट करने की ज़रूरत नहीं। मैं इसी लीफ से आपको इसका प्रोपेगेशन बताऊंगी किस तरह से नए प्लांट इस लीफ से हम तैयार कर सकते हैं। तो आइए मैं कट करती हूँ इसे। ये मेरे पास नाइफ है, आप इसको किसी भी एंटीबैक्टीरियल एंटीफंगल सॉल्यूशन से इसको स्टरलाइज कर लीजिए, जिससे कि इसमें इन्फेक्शन ना हो और हम इससे लीफ कट करते हैं। तो मैं यहाँ से ये लीफ कट करूँगी। ये यहाँ से ख़राब हो रही है ये लीफ। मेरे पास ये लीफ आ गई है। अब इस लीफ को मैं पोर्शंस में काटूँगी, एक पोर्शन, दो पोर्शन, इस तरह से तीन पोर्शन। आपको ध्यान ये रखना है कि जो हिस्सा नीचे की तरफ है वो नीचे ही रहेगा और जो हिस्सा ऊपर की तरफ है वो ऊपर रहेगा। आपको उसको उल्टा हिस्सा यूज़ नहीं करना है। तो चलिए मैं इसको कट करती हूँ तीन पार्ट्स में। ये मैंने तीन पार्ट्स कर लिए हैं इसके, एक, दो और तीन। ये नीचे का सिरा है और ये ऊपर का सिरा है। मैं इन तीनों पार्ट्स को पानी में डाल देती हूँ। मैंने ये हाफ ग्लास वाटर भर लिया है। इस वाटर में हम ये डालते हैं, फर्स्ट, सेकंड एंड ये थर्ड। तो इसको फिर अब हम रख देते हैं और इसका अपडेट देखेंगे आगे इसमें क्या होता है। फ्रेंड्स, देखिए इसका अपडेट 40 से 45 दिन हो गए, जो कि हमने वाटर में इसे प्रोपेगेट किया था स्नेक प्लांट को। तो देखिए उसका क्या अपडेट है। आइए मैं आपको इसको उठा के और फिर बताती हूँ आपको। साफ़ इसमें रूट्स दिखाई दे रहे होंगे। तो फ्रेंड्स, पानी में लगाना बहुत ही आसान है और इसमें देखो छोटे छोटे से बेबी प्लांट भी निकलना स्टार्ट हो गए हैं। काफ़ी दिन से रखा हुआ है ये ग्लास, इसको हमने पानी चेंज करते रहे हैं, तो आप भी पानी चेंज करते रहिए बीच बीच में, एक से दो बार। तो देखिए मैं आपको निकाल के बताऊंगी, जो हमने टुकड़े डाले थे ये इनमें बेबी प्लांट आ गए हैं। सारे टुकड़े जो 100% सक्सेसफुली प्रोपोगेट हो गए हैं, हमने जितने डाले थे उतने ही। ये देखिए इसमें इस तरह से बेबी प्लांट आने लगे हैं। तो आप इसको अब रिपोर्ट कर सकते हैं और अब आप इसमें सॉइल में शिफ्ट कर सकते हैं इनको। तो ये था फ्रेंड्स मेरा स्नेक प्लांट, जो कि आप वाटर में आसानी से प्रोपोगेट कर सकते हैं और फिर आप इसको सॉइल में लगा सकते हैं। अच्छा लगा हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक